नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यमी बाइट पे। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर का सूप। दो लोगों के लिए टमाटर का सूप बनाने के लिए चाहिए हमें 7 से 8 टमाटर, 100 ग्राम धनिया, 1 नींबू, 1 इंच कटा हुआ अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 100 ग्राम, 4 बड़े चम्मच चीनी। टमाटर का सूप बनाने के लिए टमाटर को स्लाइस कर लीजिए। इसी के साथ हमें अदरक लहसुन और धनिया को भी चॉप करके अलग से रख लेना है। लीजिए शुरू करते हैं टमाटर का सूप बनाना। टमाटर का सूप बनाने के लिए एक कढ़ाई लीजिए, जिसमें 100 ग्राम मक्खन डाल के उसको गर्म कीजिए। जैसे ही मक्खन थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें अदरक लहसुन जो हमारा बारीक कटा हुआ है उसको डाल के हल्का सा भूनेंगे। ये लीजिए हमारा लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है। हमें इसे ब्राउन नहीं करना, हल्के से भुनना ही है। अब हमारा टमाटर जो हमारा बारीक कटा हुआ है उसको हम डाल के अच्छे से पकाएंगे। लीजिए हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से पकने दीजिए, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाए। एक उबाल आने के बाद इसमें नमक स्वाद अनुसार 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 काली मिर्च कुटी हुई, ये सभी डाल के 2 मिनट पकने। इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया डाल के एक उबाल के लिए इसे ढक्कन लगा के और लीजिए इसी के साथ हमारे टमाटर का सूप पक के तैयार है। इसे 2 मिनट ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाए, इसे एक छानी की सहायता से अच्छे से छान लेंगे। आप इसे मिक्सी में पीस के भी छान सकते हैं, बट पीसने से इसके बीज जो है पिस जाते हैं, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा इसको मिक्सी में पीसना। और लीजिए इसी के साथ हमारा टमाटर का सूप बनके तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को सर्व कीजिए। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आप मुझसे कोई स्पेशल रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए।